हमने इसमें पढ़ा था बेटा, पहले ही मैंने आपको बताया था कि लाइफ साइकिल जो ब्रायोफाइट की होती है बेटा, लाइफ साइकिल मतलब ब्रायोफाइट की लाइफ साइकिल जो होती है वो होती है हैप्लो डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, है ना, हैप्लो डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। आवाज अगर नहीं क्लियर आ रहा होगी तो मैं बता रहा था, ठीक है। और ब्रायोफाइट्स को हम बेटा एम्फीबियंस, एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम बोलते हैं, एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम बेटा हम इसको बोलते हैं। क्यों, क्या रीजन है? बिकॉज वॉटर इज, लिखो स्टेटमेंट, बिकॉज वॉटर इज नेसेसरी फॉर, वॉटर इज नेसेसरी फॉर फर्टिलाइजेशन और ऑब्लिक गैमेट ट्रांसफर, बिकॉज वॉटर इज नेसेसरी फॉर गैमेट ट्रांसफर, water is necessary for gamete transfer, right? But बिना पानी के, बिना water के fertilization possible नहीं है, क्योंकि plant अभी aquatic medium से terrestrial होने जा रहा है, समझ रहे हो? इसलिए कहाँ कहाँ पाए जाते हैं ये bryophytes का habitat, लिखिए habitat में, लिखो बेटा shady places, शेडी प्लेसेस, ठीक है, मॉइस्ट सॉइल, मॉइस्ट सॉइल टेरेस्ट्रियल भी हो सकते हैं, टेरेस्ट्रियल भी हो सकते हैं, है ना। और कहां पे, ट्री ट्रंक, ट्री ट्रंक, ठीक है, यहाँ यहाँ ये ब्रायोफाइट्स पाए जाते हैं। ब्रायोफाइट्स का डोमिनेंट फेज क्या होता है, अगर आप लोगों को याद हो तो बता सकते हो क्या ब्रायोफाइट्स का डोमिनेंट फेज क्या होता है? ब्रायोफाइट्स का डोमिनेंट फेज क्या होता है? गैमेटोफाइट होता है या स्पोरोफाइट होता है, बताओ, याद है? स्पोरोफाइट डोमिनेंट फेज होता है। शैंती वर्मा, शैंती वर्मा ने बताया स्पोरोफाइट। आप लोग अपना बताओ, जस्टिन बेटा बताना, कौन 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 लोग हैं? ब्रायोफाइट्स का डोमिनेंट फेज क्या होता है, गैमेटोफाइट या मुस्कान करल? गैमेटोफाइट, बिल्कुल सही जवाब है बेटा, गैमेटोफाइट ब्रायोफाइट्स का डोमिनेंट होता है, समझ रहे हो ना, डोमिनेंट एंड इंडिपेंडेंट, बिल्कुल। गैमेटोफाइट तो लिखो, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है बेटा ये, है ना, डोमिनेंट फेज, डोमिनेंट फेज लिखिए, गैमेटोफाइट, गैमेटोफाइट, गैमेटोफाइट जो होता है बेटा वो डोमिनेट होता है, ठीक है, इंडिपेंडेंट भी है ये, डोमिनेंट फेज, और ये क्या है बेटा, इंडिपेंडेंट भी है, इंडिपेंडेंट, गैमेटोफाइट इंडिपेंडेंट भी है। और स्पोरोफाइट कैसा होता है बेटा, इसका स्पोरोफाइट कैसा होगा, स्पोरोफाइट कैसा होगा? फूड सेटा एंड कैप्सूल में डिवाइडेड होता है। स्पोरोफाइट क्या होता है बेटा, फूड सेटा एंड कैप्सूल, और ये क्या होता है, डिपेंडेंट या इंडिपेंडेंट? बेटा डिपेंडेंट होता है, डिपेंड ऑन गैमेटोफाइट, और पैरासाइट भी होता है, एक्चुअली सेमी पैरासाइट,
सेमी पैरासाइट इंडिपेंडेंट नहीं है ये डिपेंडेंट ऑन गैमेटोफाइट गैमेटोफाइट के ऊपर बेटा ये डिपेंड होता है बिल्कुल सही बात है। अच्छा नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखेंगे बेटा इसमें क्या रूट पाई जाती है नहीं नो रूट लाइक एलगी नो रूट नो स्टेम नो लीव्स ठीक है कोई रूट स्टेम और लीव्स नहीं पाई जाती है ठीक है। वैस्कुलर डिजीज में पाए जाएंगे या नहीं पाए जाएंगे नहीं पाए जाएंगे तो वैस्कुलर टिश्यू एब्सेंट नेक्स्ट पॉइंट लिखिए वैस्कुलर टिश्यू का मतलब क्या है जाइलम और फ्लोएम वो नहीं पाया जाता ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे वैस्कुलर टिश्यू मतलब जाइलम और फ्लोएम नहीं पाया जाता ठीक है ना। ब्रायोफाइट्स डू नॉट अटेन अ ग्रेट हाइट मतलब बहुत बड़े नहीं होते हैं ब्रायोफाइट्स डू नॉट अटेन अ ग्रेट हाइट ठीक है तो कितने होते हैं बेटा From 0.4 to 70 centimeter height होती है। ब्रायोफाइट्स बहुत बड़े नहीं पाए जाते छोटे छोटे होते हैं है ना। टाइप ऑफ ब्रायोफाइट्स टाइप ठीक है। अब वैसे एनसीईआरटी में दो लिख रखा है बेटा लेकिन हम आपको यहाँ पे तीन बताएंगे वैसे होते तीन है ठीक बात है ना। पहला है हेपेटिकोक्सीडा दूसरा है बेटा एम्फोसेरोसीडा और तीसरा है ब्रायोसीडा। ये तीन ग्रुप होते हैं प्लांट्स के बेटा इसको हम हेपेटिकोक्सीडा को हम और क्या बोल सकते हैं इसको हम लीवर बोल्ट्स बोल सकते हैं बोलते हैं एनसीईआरटी में यही गिवन है बेटा। एम्फोसेरोसीडा को यही बोलेंगे एंथोसेरोसीडा ही बोलेंगे इसमें एंथोसेरोस आता है बेटा एंथोसेरोस और ब्रायोसीडा को हम मॉसेस बोल सकते हैं या मस्सी बोलते हैं है ना। एनसीईआरटी में लीवर बोट्स और मॉसेस ये लिखा हुआ है लीवर बोट्स और मॉसेस लिखा हुआ है ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा एग्जाम्पल लिवर बोट्स का एग्जाम्पल है बेटा रिक्सिया मार्केंसिया और इसका एग्जाम्पल मैंने बता दिया एंथोसेरोस और बोट्स भी बोलते हैं इसको हम इसको इसको हॉर्न बोट्स भी बोलते हैं हॉर्न बोट्स भी बोलते हैं और इसका एग्जाम्पल हो जाएगा क्या एम्फोसेरोस और इसका एग्जाम्पल हो जाएगा बेटा क्या फ्यूमेरिया है ना पॉली
trigum, sphagnum, pluralia, polytrigum, polytrigum, sphagnum, etc. ये मैंने आपको कुछ एग्जांपल्स बताए हैं, ठीक है ना। हेपेटिक ऑक्सीडा, एथोसेरो ऑक्सीडा एंड ब्रायो ऑक्सीडा। बेटा एनसीईआरटी में केवल लीवर वोट्स और मॉसेस लिखा हुआ है, ठीक है ना, ठीक है। अब एक चीज और है, हम वन बाय वन करके और साथ में सबका कंपेटिटिव स्टडी भी जहां जरूरी होगा करते हुए चलेंगे, ठीक बात है। तो शुरू करते हैं बेटा वन बाय वन करके। पहले हम स्टार्ट करते हैं लीवर वोट्स। लीवर वोट्स, ठीक है सर। क्या है बेटा शिवम पलवार, क्या कहना चाहते हो? लिखो बेटा शिवम पलवार, क्या कहना चाहते हो बताओ। सर आपने क्वेश्चन नहीं देखे। अच्छा क्वेश्चन का जवाब नहीं दिया मैंने व्हाट्सएप पे, पता नहीं किसने किसका दिया। सर आपके पास शो कैसे होगा? शो तो नहीं हो रहा, हर्ष आवाज क्लियर नहीं है। बेटा सबकी आवाज क्लियर नहीं है, सब लोग बताना अपना अपना वॉइस क्लियर है या नहीं है। वॉइस मेरी क्लियर है या नहीं है? नॉट क्लियर योगेश। और क्लियर कैसे है शांति वर्मा? क्लियर है नॉट क्लियर? नॉट क्लियर, नॉट क्लियर। ओके रुक जाओ, शोर तो नहीं हो रहा है भाई, कैसा शोर तो नहीं हो रहा है कुछ भी। रुक जाओ मैं ब्लूटूथ ऑफ कर देता हूं। अब बताओ आवाज क्लियर है क्या? साउंड क्लियर है अब? अब आवाज क्लियर है बेटा? अब क्लियर है ना? चलो ठीक है, ऐसे रहने देते हैं, ठीक है। अब क्लियर है तो बढ़िया, आप थोड़ा ध्यान सुनो, ठीक है। लीवर वोट्स बेटा, लीवर वोट्स में हम क्या देखते हैं? बॉडी इसकी कैसी होती है बेटा? हैलॉइड, हैलॉइड मतलब अनडिफरेंशिएटेड प्लांट बॉडी होती है, ठीक है, ठीक है। और क्या होती है ये प्लांट बॉडी? प्लांट बॉडी गैमेटोफाइट होती है, गैमेटोफाइट होती है मतलब एन नंबर ऑफ क्रोमोसोम होता है, ठीक है। और इसमें एक बात और है, मर्केंसिया, मर्केंसिया जो होता है बेटा वो डायोसियस होता है। कैसा होता है? डायोसियस मतलब मेल एंड फीमेल आर सेपरेट, मेल एंड फीमेल आर सेपरेट। डायोसियस, डायो मींस टू, सियस मींस हाउस,
दो हाउस मतलब दो घर मार्केंसिया प्लांट में बेटा, मार्केंसिया में क्या होता है डायोसियस होता है, केरोटि में अलग अलग होते हैं, बट रिक्सिया में क्या होता है बेटा, ये होता है मोनोसियस, मोनोसियस। मोनोसियस का मतलब होता है कि मेल और फीमेल एक ही में है, मेल और फीमेल एक ही में होते हैं, ठीक है ना। अब मैं लिवर बोट्स में मर्केंसिया बना रहा हूं, ठीक है ना। कैसा होता है ये, पहली बात कि आप लोग वेंट्रल और डॉर्सल साइड को पता है आपको, वेंट्रल साइड और डॉर्सल साइड पता है तो ठीक है। ये हमारा फेस जो है बेटा, ये हमारा डॉर्सल है कि वेंट्रल है, ये जो फेस हमारा है वो डॉर्सल है या वेंट्रल है, ये फेस हमारा। जस्टिन ने डॉर्सल लिखा है, सभी बच्चों ने वेंट्रल लिखा है, डॉर्सल लिखा है प्रियंका, कुछ बच्चे डॉर्सल। सुन लो बेटा, देखो हम क्या करते हैं ना, छोटी छोटी बातों को शुरू में ही उसको हम क्लियर कर देते हैं ताकि आगे चल के प्रॉब्लम ना क्रिएट करें। बेटा कोई भी ऑर्गेनिज्म है वो अर्थ सरफेस के रिस्पेक्ट में, अब अर्थ सरफेस हम स्टैंडिंग मोड में चल रहे हैं ना, खड़े होके, मान लो हम ऐसे अगर चले, क्योंकि ह्यूमन ही ऐसा है जो पूरी तरह इरेक्ट होके मूव करता है, ह्यूमन को छोड़ के बाकी कोई बिल्कुल इरेक्ट पोजिशन में मूव नहीं कर सकता है एनिमल, है ना, ठीक है। तो अगर मान लो हम ऐसे चले, ऐसे दोनों हाथ चार पैरों पे चले, मतलब दो हाथ दो पैरों पे चले, तो स्काई की तरफ हमारा कौन सा पोर्शन होगा, ये पीछे वाला पोर्शन हमारा क्या होगा बेटा, स्काई की तरफ होगा, ये पोर्शन स्काई की तरफ होगा, और ये सारा पोर्शन बेटा कहाँ पे होगा हमारा, अर्थ सरफेस की तरफ होगा, ठीक है। तो वो पोर्शन जो अर्थ सरफेस की तरफ है उसको हम बोलते हैं बेटा वेंट्रल, उसको क्या बोलते हैं वेंट्रल, ठीक है। इसमें मतलब क्या करना है, निशान, इस निशान इसमें क्या मतलब मैं बताऊं, किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी जो अर्थ सरफेस के तरफ हो बेटा उसको बोलता है, बोलते हैं वेंट्रल साइड, और जो स्काई के तरफ होता है आसमान के ऊपर होता है बेटा, ठीक है, उसको बोलते हैं डॉर्सल, डॉर्सल सरफेस बोलते हैं। तो अगर आपने देखा होगा प्लांट की लीव्स जो है बेटा वो ऐसे होती है एटमॉस्फेयर में, ये लीफ है मान लो, तो इस लीफ का बेटा ये वाला साइड क्या होगा, वेंट्रल की डॉर्सल, ये नीचे वाला साइड क्या होगा बेटा, तो हम वेंट्रल है, छोड़ो तुमको समझ में नहीं आएगा, ये वेंट्रल साइड हो गया, समझ रहे हो, और ये कौन सा साइड हो गया बेटा, डॉर्सल साइड हो गया लीफ का, समझ रहे हो। अब निशान पूछ रहा है कि हम डॉर्सल हैं या वेंट्रल हैं, बेबू हम डॉर्सल और वेंट्रल होते हैं, साइड डॉर्सल और वेंट्रल होती है ना, समझ रहे हो। तो बेटा निशान हमारा ये साइड जो है वेंट्रल है और हमारा बैक साइड जो होता है वो डॉर्सल साइड होता है, ठीक बात है ना। अब देखो बेटा ये जो प्लांट्स के केस में बेटा ये जो वेंट्रल साइड होती है ना इसको हम बोलते हैं बेटा एबैक्सियल, एबैक्सियल। अभिनव सर ने बताया था, और जो डॉर्सल साइड होती है बेटा उसको बोलते हैं एडॉक्सियल, एडॉक्सियल। देखो एबैक्सियल एंड एडॉक्सियल, एबैक्सियल मींस होता है बेटा वेंट्रल और एडॉक्सियल मींस डॉर्सल। कभी भूल जाए आपको तो कैसे याद होगा बेटा, यहाँ पे डी है ना तो ये डॉर्सल होता है, ठीक है, डी वाला डॉर्सल, समझ में आ गया, यहाँ तक ओके है सबको, यहाँ तक सबका ओके है बेटा, ठीक है। अब देखो मैं रिक्सिया बना रहा हूं, ठीक है बेटा, देखो अब मैं एक मार्केंसिया का प्लांट बना रहा हूं, मार्केंसिया का प्लांट देखो लीफ लाइक स्ट्रक्चर है बट
लीफ नहीं है, ठीक है, लीफ लाइक है बट ये लीफ नहीं है, ठीक है। यहां पे देखो ये मिड रिब है, इसको हम बोलते हैं मिड रिब, मिड रिब। यहां पे ग्रोइंग पॉइंट है बेटा, ये क्या है ग्रोइंग पॉइंट, जहां से ये ग्रोथ करता रहता है, ठीक बात है। अब इसका जो है बेटा एक्चुअल में ये जो है डॉर्सल सरफेस है, समझ रहे हो, ये डॉर्सल सरफेस है। अगर इसको वेंट्रल सरफेस से हम देखेंगे, अगर वेंट्रल सरफेस से, तो हमें कुछ और दिखाई देगा। देखो डॉर्सल और वेंट्रल का मतलब मैं कैसे बताऊं, ये जो लीफ है ना, ये मान लो अर्थ सरफेस है, ये अर्थ सरफेस है बेटा, और ये लीफ है मतलब मार्केंसिया है, तो ये ऐसे है, लेकिन ऐसे है तो हम इसको सरफेस पे कैसे दिखा सकते हैं, इसीलिए हम इसको ऐसे करके दिखा रहे हैं। मतलब ये आपको दिख रहा है, ये ऐसे, इस बोर्ड को बेटा आप अर्थ सरफेस मान लो, इस बोर्ड को अर्थ सरफेस मान लो, ठीक है। तो ये जो साइड देख रहे हो ये एडैक्सियल है, एडॉक्सियल है, एडॉक्सियल सरफेस है। तो एडॉक्सियल सरफेस साइड से अगर हम देखते हैं यहाँ पे बेटा, तो हमको कुछ इस तरह से रूट लाइक स्ट्रक्चर हमको दिखाई देते हैं साइड से, जिसको हम क्या बोलते हैं, रायडोइड्स। रूट लाइक स्ट्रक्चर है जो रायडोइड्स बोलते हैं। इनका काम क्या है बेटा, हेल्प इन अटैचमेंट विद सबस्ट्रेटम। बेटा सबस्ट्रेटम बोलते हैं जिससे कि वो अटैच होता है। सर ग्राउंड इसका नीचा है, हाँ ये ऊपर वाला है बेटा, ये इस बोर्ड को आप लोग अर्थ सरफेस मान लो, इस बोर्ड को अर्थ सरफेस मान लो बेटा, उस पे ये चिपका हुआ है, तो ये बोर्ड क्या हो गया, सबस्ट्रेटम हो गया, ठीक है ना। और हम साइड से अगर देख रहे हैं यहां से, तो ये हमें रूट लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है। ये रायडोइड क्या है बेटा, रूट लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है, जिसको हम रायडोइड बोलते हैं। एक बात और है, ये तो रायडोइड है बेटा, ये कैसे है, यूनिसेलुलर, ये यूनिसेलुलर है बेटे, मल्टीसेलुलर नहीं है, यूनिसेलुलर है, ठीक है। एक चीज और इनके बीच बीच में बेटा हमें कुछ इस तरह से मेम्ब्रेनस आउटग्रोथ दिखाई देता है। ये क्या है बेटा, मेम्ब्रेनस, मेम्ब्रेनस आउटग्रोथ कॉल्ड स्केल्स। इसको क्या बोलते हैं बेटा, स्केल्स बोलते हैं, ठीक बात है। ये तो हो गया डॉर्सल साइड से बेटा, मतलब ऊपर से हम देख रहे हैं, ऊपर से देख रहे हैं। अगर इसको हम उलट गए ऐसे पलट, नीचे नीचे का ऊपर करते हैं बेटा, मतलब वेंट्रल साइड से अगर देखने की कोशिश कर रहे हैं हम, ये देखो मैंने मिटा दिया, आप लोग बताना चाहिए था, यहाँ पे मैंने ग्रोइंग पॉइंट लिखा था, लिख लेना। अगर इसको वेंट्रल साइड से देखें तो हमें ऐसा दिखाई देगा, ये हम मिड रिब, ये क्या है बेटा, मिड रिब है, ये दोनों ग्रोइंग पॉइंट थे, ठीक है। जो ये रायडोइड हमें यहां साइड में दिख रहा था बेटा, एक्चुअल में ये यहां पर होता है अराउंड द मिड रिब, अराउंड द मिड रिब क्या है,
ये है बेटा रायबॉय, ये है रायबॉय। तो जो रायबॉय हमें डॉर्सल साइड से साइड में दिख रहे थे, एक्चुअल में दीज रायबॉयड्स आर अराइव फ्रॉम मिड रिब। रायबॉयड्स अराइव फ्रॉम मिड रिब राइट, एंड मेम्ब्रेनस आउटग्रोथ दैट इज स्केल्स आर टर्मिनल इन पोजिशन। देखो ऐसा, या इसको हम बोल सकते हैं साइड में है, ये क्या है बेटा स्केल्स, समझ में आ गया। तो ये कौन सा सर्फेस है बेटा, एबैक्सियल, एबैक्सियल सर्फेस। रिक्शिया का स्ट्रक्चर समझ में आपको आया, ठीक है। एक चीज और है बेटा, ये जो इसका प्लांट बॉडी है क्रिस्टल क्लियर, ठीक है बेटा ठीक है। ये जो प्लांट बॉडी है ये डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड है, ये भी बात याद रखना है। एफ एक्सियल नहीं और मीनिंग निशान, फिर एफ एक्सियल मींस मीनिंग पूछने लगे बेटा। एफ एक्सियल मींस होता है बेटा वेंट्रल, और ये जो लीफ है बेटा ये डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड है। यहां पर मैं लिख देता हूं इस लीफ का डॉर्सी वेंट्रल फ्लैटेंड, ठीक है, डॉर्सी वेंट्रल फ्लैटेंड। ठीक है, डॉर्सिपेटल फ्लैटन का मतलब समझ लो थोड़ा सा। आप लोगों ने नाइन्थ क्लास में बेटा फ्लैट वर्म पढ़ा होगा, नाइन्थ क्लास में फ्लैट वर्म, फ्लैट वर्म की बॉडी भी पीछे से शोर आ रहा है, अब नहीं आएगा। सुनो, डॉर्सिपेटली फ्लैटन का मतलब बेटा देखो, आप तो ऑगी एंड कॉकरोच गैंग देखा होगा, टॉम एंड जेरी देखा होगा, समझ रहे हो। तो देखो हाँ, तो देखो मान लो ऐसे सीधा रोड है, ऐसे सीधा रोड है बेटा, और ऑगी जो है ऐसे जा रहा है ऐसे सीधे, और सामने से ट्रक आया, ठीक है, सामने से ट्रक आया और ऑगी की बॉडी को बेटा छोटा भीम भी है, नहीं छोटा भीम तो मर के नहीं जीता है, ऑगी या ये टॉम है मान लो, टॉम को सामने से ऐसे ट्रक ने दबा दिया बेटा, तो उसकी बॉडी आगे और पीछे से मतलब डॉर्सल और वेंट्रल साइड से क्या होगा, चिपक जाएगा। और कोई ऐसे सीधे जा रहा है अगर, और साइड से कोई आ गया ट्रक वाला और उसको दबा के चला गया बेटा, प्रेस कर दिया, तो डॉर्सल साइड को वेंट्रल साइड तो ये है, डॉर्सल साइड पीछे वाली है, तो वो लेटरल साइड से चिपक जाएगा। मतलब साइड को हम क्या बोलते हैं, लेटरल साइड। अगर इधर से कोई गाड़ी आई तो वो लेटरली फ्लैटेंड कर देगा। तो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं बेटा मोस्टली वो डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड होते हैं। जैसे टेप वर्म है या टीनिया सोलियम बेटा, वो आगे और पीछे से मतलब डॉर्सल और वेंट्रल साइड से चपटा होता है, उसको बोलते हैं डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड और डॉर्सी वेंट्रल फ्लैटेंड बोलते हैं उसको। तो जैसे कि अर्थवर्म सॉरी टीनिया सोलियम टेप वर्म की बॉडी डॉर्सी वेंट्रली फ्लैटेंड होती है, उस तरह से यहां भी देखो डॉर्सल और वेंट्रल साइड से चपटा है मतलब फ्लैटेंड है। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि मर्केंसिया की बॉडी जो होती है या मोस्ट ऑफ द ब्रायोफाइट्स की बॉडी जो होती है बेटा वो डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड होती है, क्लियर है। अब देखो आज क्लास बहुत ज्यादा डिस्टर्ब रही है, इसलिए सिलेबस आगे बढ़ नहीं पा रहा है बेटा, है ना।
अब देखो एक चीज, सर ये मर्जेंसिया का स्ट्रक्चर है। बिल्कुल बेटा, ये मर्जेंसिया का स्ट्रक्चर मैंने बताया था दोनों, ये दोनों मर्जेंसिया का स्ट्रक्चर है बेटा, ठीक बात है। ओके, अब देखो एथोसेरॉक्स में क्या होता है बेटा, ये मान लो एथोसेरॉक्सिडा में, एथोसेरॉक्सिडा में क्या होता है कि ये प्लांट बॉडी ऐसी है, ठीक है, ऐसी प्लांट बॉडी होती है, यहाँ पर दो ग्रोइंग पॉइंट होंगे और ये मिड रिब है, ये मिड रिब है, ठीक बात है। होता क्या बेटा, स्केल्स आर प्रेजेंट, स्केल्स और एब्सेंट, सॉरी स्केल्स आर एब्सेंट, राइजोइड्स आर प्रेजेंट। जैसे देखो ये राइजोइड है, राइजोइड है, राइजोइड प्रेजेंट, स्केल्स आर एब्सेंट इन एथोसेरॉक्सिडा, एथोसेरॉक्सिडा में बेटा राइजोइड तो होते हैं लेकिन स्केल्स नहीं होते, ये बात आपको याद रखनी है, क्लियर हो गया बात यहां तक। अब मान लो कि मर्जेंसिया की बात करें अगर हम, तो ये उसका प्लांट बॉडी है, ये ऐसे ऐसे इसकी प्लांट बॉडी है, यूं है ना, तो इस पर एक स्ट्रक्चर डेवलप होता है बेटा, ध्यान देना मेरी बात को। यहां पर क्या हुआ है, यहां पर कि कुछ सेल्स डिवाइड करना स्टार्ट कर दिए और डिवीजन स्टार्ट कर दिए, और ये जो है इस तरह से सर प्लांट किंगडम है ना, क्या पूछते रहते हो बेटा निशान, प्लांट किंगडम का ब्रायोफाइट आप लोग पढ़ रहे हैं, इसकी पूरी प्लांट बॉडी मर्जेंसिया की क्या है, हैप्लॉइड है, एन नंबर ऑफ क्रोमोसोम है इसमें, ठीक बात है। इस पर एक स्ट्रक्चर ऐसे डेवलप हुआ करते ऐसा, ठीक, ऐसा एक स्ट्रक्चर डेवलप हुआ और यहां पे वैसे तो स्फेरिकल दिखाई दे रहा है आपको, ठीक है ना, इस स्ट्रक्चर को ध्यान से देखो, इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं क्या, इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं बेटा हम एंटेरिडियम, एंटेरिडियम ये क्या है बेटा, मेल सेक्स ऑर्गन है, ये हैप्लॉयड होगा कि डिप्लॉयड होगा, हैप्लॉयड होगा, क्यों, क्योंकि हैप्लॉयड पर डेवलप हो रहा है ना, ये समझ में बात आ गई। अब एक चीज याद रखो बेटा, फोर मिल्स होता है ब्रांच, फोर मिल्स क्या होता है बेटा, ब्रांच, याद रखना फोर मिल्स ब्रांच, तो इसको हम क्या बोलते हैं, क्या बोलेंगे फिर, इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलेंगे, अगर फोर मिल्स ब्रांच होता है तो ये एंथेरिडियम की ब्रांच है, तो इसको इस ब्रांच को हम क्या बोलेंगे, किसी को पता है, फोर नहीं, किसकी ब्रांच, एंथेरिडियम की ब्रांच, तो क्या बोलेंगे, एंथेरिडियो फोर, शाबाश बेटा जसप्रीत, अरे वाह बेटा वाह वाह, प्रियंका शर्मा बहुत बढ़िया भाई, बहुत अच्छे बच्चे, वेरी गुड, तो इसको बोलेंगे बेटा हम एंथेरिडियो फोर, ये सारा का सारा बेटा होगा हैप्लॉयड, सारे हैप्लॉयड होंगे, ठीक है। अब यहां पर देखो बेटा एक दूसरा प्लांट है, क्योंकि मार्केंसिया डायोसियस होता है बेटा, मेल और फीमेल अलग अलग होते हैं, तो ये तो मेल है, ये तो मेल है बेटा, अलग अलग प्लांट में डेवलप होगा मेल फीमेल, तो और ये है
ये है बेटा ये है आर्किगोनियम, ये है आर्किगोनियम। तो ये क्या है आर्किगोनियो फोर, आर्किगोनियो फोर है ये, ठीक है। एनसीईआरटी में आपके लिखा है बेटा एक चीज, ये जो आर्किगोनियम होता है ये प्लास सेव्ड होता है बेटा। आर्किगोनियम कैसा होता है? प्लास्क सेव्ड। और एनलिथियम कैसा होता है? रैकेट सेव्ड। रैकेटेड लिख सकते हैं इसको, रैकेट के जैसा। अब आपको यहां तो ना तो प्लास्क जैसा दिख रहा है ना ही ये रैकेट जैसा दिख रहा है, लेकिन जब हम इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे बेटा तब आपको क्लियर हो जाएगा कि एथेरियम रैकेट के जैसा है और आर्किगोनियम प्लास्क के जैसा है। अभी तो नहीं पता चल रहा होगा, पता चल जाएगा बाद में, ठीक है। अब दिस प्लस दिस, आप जानते हो फर्टिलाइजेशन की वाटर की रिक्वायरमेंट होती है, इसलिए इसको बोलते हैं एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम, क्योंकि फ्रॉग एम्फीबिया है बेटा, फ्रॉग एम्फीबिया क्लास में आता है। एम्फीबिया उस एम्फीबियंस बोथ बिया मींस बायोस मींस लाइफ, मतलब बोथ लाइफ एक्वेटिक एज वेल एज टेरेस्ट्रियल। तो वाटर की रिक्वायरमेंट होती होती है सर। सर अरे इट रिप्रोड्यूस बाय स्पोर्स, क्या बात कर ली है अभी, लाइफ साइकिल मैंने बताया नहीं, अभी आपको बताऊंगा, घबराते क्यों, ठीक है। ठीक है, तो बेटा यहां से जो मेल गैमेट है जिसको यहां तक पहुंचने के लिए वाटर की रिक्वायरमेंट होती है, इसीलिए हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर की रिक्वायरमेंट बायोफाइटर होती है। आफ्टर दैट ये जो है ये इसमें बेटा एक सेल प्रोड्यूस किया जाएगा, मतलब फीमेल सेक्स ऑर्गन है तो मेल गैमेट तो बनेगा उसमें, उसके बाद वो मेल गैमेट कन्वर्ट हो जाएगा फूड सेटा एंड कैप्सूल के फॉर्म में। तो फूड सेटा और कैप्सूल कुछ इस तरह से बनता है, ये है बेटा ये है फूड और ये है सीटा, नहीं सेटा, और ये बनेगा कैप्सूल। बेटा इन तीनों की प्लॉयडी लेवल बता सकते हो क्या होता है? इन तीनों की प्लॉयडी लेवल आप लोग बता सकते हो क्या होता है? क्या होता है बोलो बोलो फटाफट, इतना लेट, हमें सिलेबस खत्म करने की जल्दी नहीं है, हमें समझाने की जल्दी है। इतना जल्दी मैं आपको समझा लेता हूँ। डिप्लॉयड सीवन, बहुत बढ़िया बेटा। चलो एक बच्चे ने बताया डिप्लॉयड, योगेश डिप्लॉयड, मतलब कि ये डिप्लॉयड है, मतलब यही क्या है डिप्लॉयड, सारे बच्चों ने लिखा है डिप्लॉयड, बहुत बढ़िया शाबाश, यही तो है इसका स्पोरोफाइट। अब ये बनता कैसे है इसका डेवलपमेंट भी हम देखने वाले हैं, है ना। लेकिन इसके पहले थोड़ा सा और हम रिक्सिया मार्केंसिया मॉसेस रिवर बोट्स के बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं, यहाँ तक ओके हो इन सम लीवर बोट्स, सम लीवर बोट्स सो इरेक्ट स्ट्रक्चर, सम लीवर बोट्स सो इरेक्ट स्ट्रक्चर। अभी तो फ्लैट मैंने बताया था, कुछ लीवर बोट्स ऐसे होते हैं बेटा जो इरेक्ट स्ट्रक्चर शो करते हैं, ठीक बात है ना। जैसे देखो ये है स्टेम, नहीं स्टेम लाइफ है, बिल्कुल याद रखना है ये स्टेम नहीं है बेटा, क्या है, क्योंकि इसमें स्टेम तो पाई नहीं जाती, तो ये क्या हो गया बेटा स्टेम लाइफ है, स्टेम लाइफ
लाइक स्ट्रक्चर, ठीक बात है। और ये क्या है इसमें, ये है बेटा राइजोआ है, ये है राइजोआइड्स। राइजोआइड्स का इसका फीचर क्या है बेटा, ये है बेटा पहली बात लिखते हैं हम यहाँ पे कि ये यूनि सेलुलर होता है, और क्या होता है बेटा अनब्रांच, यूनि सेलुलर एंड अनब्रांच, राइट। अब ये जो इरेक्ट स्ट्रक्चर शो कर रहे हैं बेटा, तो यहाँ पे क्या होगा कि कुछ लीव्स होगी छोटी छोटी, देखो मैं लीव्स बना रहा हूँ, आप ध्यान से देखना इसको, ठीक है। एक इधर एक इधर एक इधर एक इधर एक इधर, देखो टू रो ऑफ, देखो एक लाइन इधर को है, दूसरी लाइन इधर को है, एक इधर लाइन है और एक इधर लाइन है, तो ये क्या हो गया बेटा टू रोज ऑफ लीव्स लाइक स्ट्रक्चर, मतलब ये लीफी स्टेज शो करता है बेटा, लीफी स्टेज, लीफ लाइक स्टेज, ठीक है ना। और ये लीफ एक्चुअल में लीफ नहीं है, बल्कि ये क्या होते हैं स्केल्स होते हैं। एक्चुअल में ये जो लीफ दिख रहा है बेटा वो क्या है स्केल्स हैं, है ना, स्केली लीव्स, स्केली लीव्स बोले तो और बढ़िया होगा, ठीक है। ये स्टेम लाइक स्ट्रक्चर है, टू रो ऑफ लीव्स इन केस ऑफ लीवर होल्स, राइट। अब इन मोसेस, मोसेस में क्या होता है वो भी देख लेते हैं बेटा। इन मोसेस, मोसेस में क्या होता है, ये बेटा एक स्टेम लाइक स्ट्रक्चर है, देखो ये मैंने बनाया एक स्टेम लाइक स्ट्रक्चर, और इसमें से बेटा ध्यान देना इधर, ये राइजोआइड निकले हुए हैं, देखो क्या है ये राइजोआइड। अब मोसेस के राइजोआइड्स में और लीवर बोन के राइजोआइड में डिफरेंस देखो, यहां पे ये इसमें ब्रांचिंग नहीं है, इसमें ब्रांचिंग है, ये यूनिसेलुलर है और ये मल्टीसेलुलर है, देखो क्या है बेटा ये मल्टी सेलुलर राइजोइड ऑफ मोसेस, राइजोइड ऑफ मोसेस आर मल्टीसेलुलर, और क्या है बेटा ब्रांच, इसमें ब्रांचिंग भी तो है, इसमें ब्रांचिंग नहीं है, ठीक है। अब इसको देखते हैं कि अंदर से ये होता कैसा है, अगर मान लो इसका सेक्शन काट के थोड़ा सा और बड़ा कर दे बेटा, तो ये राइजोइड ऐसा हमें दिखता है, ये जो है ये बेटा देख रहे हो आप, ये सेल्स दिख रहे हैं और इसमें ऑब्लिक तिरछा है ना, टिल्ट है थोड़ा सा, सेप्टम है, ये सेप्टम है, ये सेप्टम है, ये सेप्टम है, सेप्टम मतलब सेल्स को सेपरेट करने वाला सेप्टम। तो ये जो है बेटा ये जो है वो सेप्टम है, लेकिन कौन सा सेप्टम है, ऑब्लिक सेप्टम, ऑब्लिक ऑब्लिक सेप्टम, तो तीसरा लिखते विद फीचर इसमें और विद ऑब्लिक सेप्टम। राइजोइड में डिफरेंस हो गया बेटा, लीफ्स में डिफरेंस देख लेते हैं बेटा, देखना लीफ बना रहा हूं मैं, यू किया मैंने, यू किया, यू किया, ऐसे 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 ऐसे, देख रहे हो रो कितनी है इसमें, इसमें रो कितनी दिख रही है आपको, एक ही दिख रही है, लेकिन क्या है ये ऐसे क्वाइल्ड है, हेलिकली क्वाइल्ड,
वन रो है और हेलिकली अरेंज्ड, ठीक है ना, हेलिकली अरेंज्ड, और ये ऊपर मान लो कैप्सूल डेवलप होता है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, ये ऊपर वैसे स्पोरोफाइट इसमें ये कैप्सूल डेवलप हो जाता है, ये कैप्सूल डेवलप हो जाता है जो इसका स्पोरोफाइट है, याद रखना स्पोरोफाइट है। तो बेटा यहां तक क्लियर है आपको, यहां तक सबको क्लियर है, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है ना किसी को, आपको राइजोइड में डिफरेंस देखना है बेटा, देख लिया, लीव्स के रो में डिफरेंस देखना है सर, ठीक है बेटा, ठीक है ठीक है, बहुत बढ़िया। आप चलो देखते हैं एंथोसेरोपसीडा में क्या कैसा होता है, एंथोसेरोपसीडा को इधर बनाते हैं, चलो देखो नेक्स्ट है हमारा एंथोसेरोस, एंथोसेरोस या एंथोसेरोपसीडा कुछ भी बोल सकते हो आप, एंथोसेरोपसीडा भी इसको बोल सकते हो। इसमें क्या होता है बेटा कि हॉर्न मोड जिसको बोलते हैं, ये मान लो इसका प्लांट बॉडी है, ये इसका प्लांट बॉडी है ना एंथोसेरोपसीडा का, और इसमें क्या होता है बेटा कि ये जो है ये फूड डेवलप हुआ, क्या है ये फूड है, ठीक है, और इसी पर क्या डेवलप हो गया बेटा यहां पे कैप्सूल, ये क्या डेवलप हो गया बेटा कैप्सूल, मतलब कि सेटा क्या है इसमें नहीं है, फूड एंड सेटा प्रेजेंट, सॉरी फूड एंड कैप्सूल प्रेजेंट, यहां पे स्टार लगा के लिख दूं सेटा एब्सेंट, सेटा नहीं होती है, सेटा नहीं होती है बेटा इसमें, समझ रहे हो, केवल कैप्सूल एंड फूड आर प्रेजेंट, ठीक है ओके। और एक चीज और है, इसके बीच में बिटवीन द कैप्सूल एंड फूड सम मेरिस्टेमेटिक सेल्स आर प्रेजेंट, मेरिस्टेमेटिक सेल्स आर प्रेजेंट जो ग्रो कराने में हेल्प करते हैं बेटा, है ना, बेस ऑफ द कैप्सूल है सम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, है ना, यहां तक क्लियर हो गया। अब एक चीज और छोटा सा मैं बता दूं आपको, एक क्वेश्चन लिखो, एक क्वेश्चन लिखो, मैं बोलू विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रायोफाइट, विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रायोफाइट, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म ऑफ ब्रायोफाइट, ऐसे लिख सकते हो, ऑर्गेनिज्म ऑफ द ब्रायोफाइट सोस SHOW सोस सिंपलेस्ट स्पोरोफाइट, सिंपलेस्ट स्पोरोफाइट, सिंपलेस्ट स्पोरोफाइट, ठीक है, मैं ऑप्शन देता हूं, ए मार्गेंसिया, बी रिक्सिया, सी हॉर्नोड्स एंथोसेरोस एंड डी फ्यूनेरिया, आंसर क्या होगा ए बी सी डी में से बताओ, रिपीट कर देता हूं, सिंपलेस्ट स्पोरोफाइट बताना है आपको, ए मार्गेंसिया, बी रिक्सिया, सी एंथोसेरोस, डी फ्यूनेरिया, ए बी सी डी, फ्यूनेरिया, मुस्कान ने बताया फ्यूनेरिया, सौम्य संजय ने बताया ए, और लोग नहीं बताओगे ए निशान, नहीं बेटा किसी का आंसर सही नहीं है, किसी का आंसर सही नहीं, आंसर होगा बी रिक्सिया, वो कैसे बता रहा हूं, पहले एक बात बताओ
अभी मैंने बैक कैमरा चल रहा था तो मैंने फ्रंट ऑन किया हुआ, इसलिए फ्रंट कैमरा चल रहा है। विजिबिलिटी पहले अच्छी थी या अभी अच्छी है? पहले थी या अभी अच्छी है? लिखना जरा, अभी अच्छी है। जस्ट नाउ ओके, अब ठीक है। अच्छा चलो, मतलब पहले से ज्यादा विजिबिलिटी अभी अच्छी है। ठीक बात, ठीक है ठीक है ठीक है, चलो कोई बात नहीं। ये बोध शिवम बनवा बोध, चलो कोई नहीं। तो रिक्सिया में बेटा, इन केस ऑफ रिक्सिया, नो फूड नो सेटा ओनली कैप्सूल। इनके आंसर लिखो, आंसर रिक्सिया, आंसर लिखो बेटा रिक्सिया। बिकॉज इन केस ऑफ रिक्सिया नो फूड नो सेटा ओनली कैप्सूल, नो फूड नो सेटा ओनली कैप्सूल। देखो ये रिक्सिया है बेटा, ये थायलॉइड है ना, इसकी प्लांट बॉडी ऐसा ऐसा, ये मिडरिब है। यहां पर सीधे कैप्सूल डेवलप हो रहा है बेटा, ये देखो, और यहां पे ग्रोइंग पॉइंट है। ओनली कैप्सूल, ये क्या मैंने बनाया है बेटा रिक्सिया में, क्या है? नो फूड नो सेटा, सेटा ओनली कैप्सूल, नो फूड नो सेटा ओनली कैप्सूल, समझ गए है ना? तो सिंपलेस्ट स्पोरोफाइट जो होता है बेटा ट में, सबसे किसका होता है? रिक्सिया का होता है। ये बात आपको अच्छी तरह से याद करनी चाहिए।